दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली में महंगाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मचाया बवाल, बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने संभाला मोर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में हल्ला बोल, बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सुकेश जबरन वसूली मामले में एक्ट्रेस जैकलिन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, ईडी ने जैकलिन की करीब 7 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी के सामने जैकलिन का कबूलनामा, कहा सुकेश को वो जानती थी, सुकेश ने गिफ्ट किए करोड़ों के। मुंबई में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, लगभग 27.5 किलो ड्रग्स किया गया जब्त, अमेरिका से कुरियर से भारत लाया गया ड्रग्स। संजय राउत की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी नेता किरीट सुमैया की पत्नी मेघा सुमैया ने संजय राउत को मानहानि का नोटिस भेजा। नोटिस में 48 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की बात की गई, राउत ने मेघा सुमैया के खिलाफ कथित टॉयलेट घोटाले को लेकर आरोप लगाए थे। राज ठाकरे पर संजय राउत का जोरदार हमला, कहा राज ठाकरे ने सीएम योगी का अपमान किया है, योगी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। संजय राउत ने कहा राज ठाकरे ने बाला साहब से गद्दारी की थी, राज ठाकरे की गद्दारी से साहब दुखी थे। पटियाला बवाल के बाद काली मंदिर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील, भारी तादाद में महिला पुलिस फोर्स और कमांडो भी तैनात किए गए। पटियाला में काली मंदिर के आसपास एंटी दंगा फोर्स तैनात, वरुण और वज्रवाहन की भी तैनाती, इमरजेंसी फायर सर्विस को भी मंदिर के पास बुलाया गया। पटियाला में धारा 144 लगने के बावजूद काली माता मंदिर पर संत समाज धरने पर बैठे। पटियाला के काली मंदिर पर हुए हमले को लेकर हिंदू संतों का प्रशासन को अल्टीमेटम, 2 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई करें नहीं तो होगा बड़ा प्रदर्शन। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प के बाद तनाव, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, जिला प्रशासन ने लगाया धारा 144। हिंसा के बाद पटियाला में इंटरनेट सेवा बंद, शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक, अफवाहों से बचने के लिए लिया गया फैसला। पटियाला बवाल के बाद पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल को हटा दिया गया है, मुकविंदर सिंह छीना होंगे पटियाला के नए आईजी। पटियाला के एसएसपी और एसपी भी हटाए गए, दीपक पारेख होंगे पटियाला के नए एसएसपी, पटियाला में हुए बवाल के बाद फैसला। पटियाला हिंसा को लेकर के सियासी घमासान, बीजेपी ने भगवंत सरकार पर लगाया साजिश का आरोप। हिंदूवादी संगठनों ने आज पटियाला बंद बुलाया, कल खालिस्तानी समर्थकों ने किया था उपद्रव। पटियाला में काली माता मंदिर के महंत का बड़ा बयान, मंदिर पर पहली बार हमला किया गया, आतंकवाद के दौर में भी मंदिर पर नहीं हुआ था हमला। हिंसा के बाद पटियाला के काली मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, कल झड़प के दौरान उपद्रवियों ने यहां की थी पत्थरबाजी। शिवसेना नेता हरीश सिंगला की बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तारी, हरीश सिंगला ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च का किया था आयोजन। हिंसा के बाद पटियाला में सुरक्षा चौकस, सीएम भगवंत मान ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने जी मीडिया से खास बातचीत की, बताया अभी तक 45,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए, 58,000 से ज्यादा की आवाज कम की गई। मनसे को मिला बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का साथ, मनसे की राज्यव्यापी महाआरती में भाग लेंगे बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले कांग्रेस नेता कमलनाथ, लाउडस्पीकर विवाद को सामाजिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी, इसे भड़काने की वजह बनने पर इसे बंद करना चाहिए। पुणे में एमएनएसएफ प्रमुख राज ठाकरे ने संभाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। मदरसे के बाहर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद कल्याण पुलिस ने स्थानीय मनसे अध्यक्ष को नोटिस दिया, कहा शहर में शांति भंग होने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। नोटिस पर मनसे नेता संदीप देश पांडे ने ट्वीट कर शिवसेना पर बोला हमला, लिखा शिव की सेना कहलाने वाला हनुमान चालीसा से डर गया। कॉमन सिविल कोड मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को चिट्ठी लिखी, कॉमन सिविल कोड नहीं लागू करने की मांग, पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी को भी पत्र लिखा। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के संवाद में बोले पीएम मोदी, जनता की भाषा में होना चाहिए न्याय, ताकि बड़ी आबादी के लिए फैसले को समझना मुश्किल ना हो। पीएम मोदी ने कहा स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, तकनीकी मेडिकल और शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लंबित मामलों का समाधान मध्यस्थता से भी संभव, कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। दिल्ली में सीएम योगी ने की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात, यूपी सरकार के 1 महीने के कामकाज और राजनीति पर हुई चर्चा। देश में गहराने लगा बिजली संकट के बीच में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन रद्द, अब नहीं होगी कोयले की कमी।
कोयले पर राहुल की भविष्यवाणी पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का हमला, कहा राहुल गांधी नकली ज्योतिषी। जनरल मनोज पांडे ने 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, जनरल एमएम नरवणे की जगह ली। जनरल एमएम नरवणे ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की, आर्मी चीफ का पद छोड़ने से पहले पुष्प चक्र अर्पित किए। जनरल नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, थल सेना अध्यक्ष का पद छोड़ने से पहले साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू में स्कूल बस में लगी भीषण आग, स्कूल परिसर के अंदर बस में लगी आग, गुदू कर जली स्कूल बस। देश में अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन, त्रिपुरा में 6 रोहिंग्या गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों में 2 बच्चे और 1 महिला भी शामिल। सहारनपुर में मनाया गया मुख्यतन योगाश्रम का 49वां स्थापना दिवस, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रानी की शिरकत। राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा ने लोगों से योगाभ्यास करने की अपील की, कहा शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग जरूरी। मेरठ में अवैध निर्माणों पर एमडीए का शिकंजा, 4 जोन और 16 सब जोन में बुलडोजर से कार्रवाई। यूपी के मेरठ की 100 फुट रोड पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। मेरठ में गौ तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति पर चला बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के हाथरस में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने कच्चे और पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। एमपी के टीकमगढ़ में चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 12 दुकानों को ध्वस्त किया गया। एमपी के जबलपुर में 12,000 वर्ग फुट जमीन पर चला बुलडोजर, 2,40,00,000 रुपए की जमीन को करवाया मुक्त। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की 21 करोड़ की 50 बेनामी संपत्ति होगी जब्त, गैंगस्टर अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। खनन माफिया और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के राजदार सनी नागपाल की बड़ी मुश्किल है, जमीन पर कब्जा करने और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने में केस दर्ज। एमपी के रायसेन में अपराधी पर बड़ी कार्रवाई, मासूम से दरिंदगी करने वालों का मकान जमींदोज, 3 एकड़ सरकारी जमीन पर किया था अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी के आरोप में युवक को उल्टा लटकाकर पिटाई किया, पेड़ पर उल्टा लटकाकर के पिटाई, पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार। पंजाब के बठिंडा से सामने आई बेरहमी की तस्वीरें, मासूम बच्चों को पिता ने बुरी तरीके से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, प्रयागराज के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को किया निलंबित, लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। गांव-गांव गेहूं खरीदने की तैयारी में योगी सरकार, गेहूं खरीद बढ़ाने का निर्णय लिया गया, 60,00,000 टन गेहूं खरीद का टारगेट रखा गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी में किया सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण। अखिलेश शिवपाल में तनाव के बीच ओपी राजभर का नया दांव, आजम खान से मिलने जेल जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। वाराणसी में पीएम मोदी का दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट बनकर तैयार, प्रधानमंत्री जल्द ले सकते हैं, करेंगे इसका उद्घाटन। लखनऊ में 2020 में हुए जहरीली शराब पीने से मौत के मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बीते कई सालों में चल रहा था फरार। बरेली में 3,000 करोड़ का साइबर ठगी का मामला, रोजगार देने के नाम पर कोरोना काल में ठगी की ई वॉलेट बनाने के नाम पर करते थे ठगी, एक युवक गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में डीजे की धुन पर युवक ने हाथ में तमंचा लेकर डांस किया, तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, मौके का फायदा उठाकर के दूसरा बदमाश भागा। यूपी के आगरा में पुलिस स्वाट टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़, गिरफ्त में आया बदमाश 11 साल से चल रहा था फरार। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी के बेसमेंट में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 2.5 करोड़ रुपए की चरस बरामद, पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। हिंसा के बाद खरगोन में लगातार सामान्य हो रहे हैं हालात, आज भी कर्फ्यू में 9 घंटे की राहत, वाहनों पर जारी रहेगी पाबंदी। खरगोन पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा, 17 पिस्टल के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार, वसीम को हथियार देने वाला तूफान सिंह भी गिरफ्तार। एमपी के मुरैना में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के ग्वालियर में जमीन विवाद में बवाल, पथराव के बाद चली गोलियां, 1 महिला को लगी गोली, घटना का वीडियो वायरल। मुरैना की चंबल नदी में नहाने गई 3 लड़कियां, नदी में डूबी, 2 के शव बरामद, गोताखोरों की मदद से आज फिर चलाया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। जंगली जानवरों पर गर्मी का सितम, सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में गर्मी से बचाव के लिए तालाब में डुबकी लगाते दिखे बाघ, सैलानियों ने मोबाइल पर कैद की तस्वीरें। बिहार को पहली इथेनॉल फैक्ट्री का तोहफा, सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में फैक्ट्री का किया उद्घाटन। बिहार में इथेनॉल फैक्ट्री से सीमांचल के किसानों को होगा फायदा, रोजगार की समस्या होगी दूर। बिहार के भागलपुर में गंगा पर बन रहे पुल का ढांचा ध्वस्त हुआ, तेज आंधी में गिरा आंधी, देर रात आई।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एईएस के 3 और मामलों की पुष्टि, अब तक 24 मामले कंफर्म। जिला प्रशासन गांव में चला रहा है जागरूकता अभियान। बिहार के कई हिस्सों में तूफान और बारिश का कहर। खगड़िया के बलैठा गांव में झोपड़ी पर पेड़ गिरने से 2 सगी बहनों की मौत। झारखंड के जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में आग से मची अफरा तफरी। इमरजेंसी वार्ड के डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट। अस्पताल के स्टाफ की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। झारखंड के धनबाद में टायर शोरूम में संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग का सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आया। हत्या के विरोध में जमकर हंगामा। राजस्थान के जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का आज 30वां दिन। आंदोलन को मिला सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन। नेपाल के रहने वाले युवक ने राजस्थान के अजमेर में एक होटल में किया सुसाइड। मृतक के दोस्त से मिले 11 लाख की नकदी। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बीकानेर के बज्जू में नहरबंदी का दौर शुरू। इलाके में बड़ा पेयजल संकट। आक्रोशित किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। भीषण गर्मी से झुलसा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर समेत 5 राज्यों में अगले 3 दिन तक लू का अलर्ट। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। भीषण गर्मी से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत बेहाल। राजधानी दिल्ली में पारा 44 डिग्री के पास पहुंचा। लोगों को हो रही है खासी परेशानी। झारखंड के रांची में बिजली संकट गहराने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। हाथों में मोमबत्ती लेकर के जताया विरोध। रूस यूक्रेन जंग का 66वां दिन। कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। लोगों को अलर्ट करने के लिए लगातार बज रहे सायरन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा खार्किव दोनबास में हालात बेहद खराब। ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। का रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही है सेना। ये युद्ध अब जिंदगी और मौत की जंग बन गई है। ब्रिटेन के रक्षा सचिव का दावा। 9 मई को रूस पूरी ताकत के साथ करेगा फाइनल अटैक। यूक्रेन की राजधानी कीव में रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमले जारी। 10 लोगों के घायल होने की खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा बम धमाका। मस्जिद में हुए धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत। बड़ी तादाद में लोग घायल हुए। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज में हुआ ब्लास्ट। मस्जिद में थी सैकड़ों लोगों की भीड़। किसी भी संगठन ने अब तक धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। इस्लामाबाद में इमरान खान के समर्थक पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की पिटाई। जान बचाते दिखे कासिम सूरी। पाकिस्तान के कई शहरों में प्रचंड गर्मी। 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। भारी बिजली कटौती से लोग बेहाल। श्रीलंका में बनेगी अंतरिम सरकार। राष्ट्रपति गोटबाया प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाएंगे। जल्द होगा नई कैबिनेट का गठन। वेनेजुएला में लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। कई इलाकों में बत्ती गुल। सैकड़ों घर हुए तबाह। शंघाई में कोविड केस बढ़ने से हड़कंप सख्त। लॉकडाउन से आम लोग परेशान।